हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पटना कलम चित्रकला की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बीपीएससी मुख्य परीक्षा का एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से हर अल्टरनेट ईयर सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह से एक सवाल पूछा जाता है कि पटना कलम चित्रकला की विशेषताओं का वर्णन करें। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के साथ साथ और भी आपको कई चीज़ें इस वीडियो में जानने को मिलेंगी कि इस टॉपिक से किसी भी तरह का अगर सवाल पूछा जाए तो आप उसे अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो भूमिका में हम लिख सकते हैं कि बिहार की धरती चित्रकला व कलाकारी में सदियों से धनी रहा है, इसलिए बिहार को समय समय पर परिवर्तनों का प्रदेश भी कहा गया है। यहाँ पर कला क्षेत्र में नया उन्मेष और विभूतियों को सजाने वाले कलाकारों का उद्भव होता देखा गया है, जिसने कला क्षेत्र में उर्वर भूमि को तैयार करने में कोई कमी नहीं छोड़ा है। कला को जीवित तभी बनाए रखा जा सकता है जब तक वह क्षितिज की मिट्टी और आम लोगों की संस्कृति से जुड़ी हो। उन्हीं में से एक है पटना कलम, जो बिहार के मिट्टी में संवर कर कला की बेहतरीन रूप आई है। उसे अब हम लोग पटना शैली या पटना कलम के नाम से जानते हैं। पटना कलम शैली की उत्पत्ति और विशेषताएँ। तो भारतीय चित्रकला की उत्पत्ति प्राचीन काल से है, जब हमारे पूर्वज अपने जीवन और रीति रिवाजों का चित्रण दीवारों पर किया करते थे। साहित्यिक अभिलेखों से पता चलता है कि प्रारंभिक काल से ही चित्रकारी विद्वान और धार्मिक दोनों को ही कलात्मक अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण रूप प्रदान करता आया है। मुगल के आगमन के बाद भारतीय चित्र शैली को एक नया आयाम मिला और उनकी चित्र शैली ने चित्रकला के कई ऐसे भारतीय विद्यालयों को प्रभावित किया जिनकी उत्पत्ति बाद में हुई। पटना कलम शैली या पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग्स उन्हीं स्कूलों में से एक था जो बिहार में 18वीं से 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में मुगल चित्रकला का एक आदर्श था। पटना कलम शैली की उत्पत्ति ब्रिटिश शैली के संयोग से अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान शाही दरबार में कलाकारों को प्रशस्त्रय नहीं मिलने के कारण इनका पलायन अन्य क्षेत्रों में होने लगा। उन्हीं में से कुछ जो चित्रकार थे वो मुर्शिदाबाद चले गए, जहां से बाद में अधिकतम कलाकार सन 1760 के आसपास में मच्छरहट्टा, जो पटना सिटी चौक में है, दीवार और मोहल्ला में आ बसे। तब पटना आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न हुआ करता था। यहाँ भी राजे रजवाड़े चित्र शैली के शौकीन हुआ करते थे, जिनके द्वारा उन चित्रकारों को सम्मानित भी किया जाने लगा और चित्र शैली में विस्तार भी देखा गया। इन पलायित चित्रकारों ने राजधानी क्षेत्र में तथा उसके आसपास क्षेत्रों में बसकर स्थानीय अभिजात वर्ग के संरक्षण में चित्रकला के क्षेत्रीय रूप को विकसित किया। यह चित्रकला ही शैली ही पटना कलम या पटना शैली कही जाती है। तो मुगल साम्राज्य के जब अंत हो रहा था उस समय चित्रकारों की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी, तो ये चित्रकार पलायन करके पटना के क्षेत्रों में आ गए, पटना और आसपास के क्षेत्रों में आ गए और यहाँ के राजा रजवाड़ों के महलों में रहकर चित्रकारी करने लगे और वहीं से इस शैली को पटना शैली या पटना कलम के नाम से जाना जाने लगा। पटना कलम शैली की विशेषताएं। अब आपको अगर केवल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि पटना के कलम को वर्णित कीजिए या पटना कलम के बारे में कुछ लिखने को आता है, तो आप इन पॉइंट्स में आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर विशेषकर विशेषता पूछा जाए कि पटना कलम की विशेषता बताएं, तो उसके लिए इस वीडियो में आगे पूरे डिटेल से दिया गया है। तो ये पॉइंट वाइज पटना कलम शैली की विशेषता है कि पटना कलम शैली की विशेषताओं पर नीचे चर्चा की गई है। इस शैली में व्यक्ति चित्रों की प्रधानता होती है तथा इस शैली में उकेरे गए चित्र आम जीवन की त्रासदियों को दर्शाया जाता है। अधिकांश चित्रकारी लघु श्रेणी की होती है और अधिकतर कागज पर बनाई जाती है। बाद में इस तरह की चित्रकारी हाथी के दांत पर भी किया जाने लगा। दैनिक जीवन पर चित्रकारी इस शैली में बहुतायत में है। चित्रकारी का विषय दैनिक मजदूर, मछली बेचने वाले, टोकरी बनाने वाले आदि पर आधारित होती है। चित्रकला की शैली में देसी पौधों, छाल, फूलों और धातुओं से बने रंगों का इस्तेमाल होता है। अधिकांशतः गहरे गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्का पीला और गहरे नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार सेवकराम, हुलासलाल, जयराम, शिवदयाल लाल आदि हैं। चूंकि इस शैली के अधिकांश चित्रकार पुरुष हैं, इसलिए इसे पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। इस शैली में चित्र की आकृति को रेखांकित करने के लिए पेंसिल का उपयोग किए बिना ब्रश से सीधे चित्रकारी किया जाता है। इस तकनीक को आमतौर पर कजली सिहाई के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये थी पॉइंट वाइज अगर पटना कलम के बारे में लिखने को आता है कि पटना कलम को बताइए, तो पटना कलम में आप इन पॉइंट्स में पटना कलम शैली की विशेषताओं को दे सकते हैं भूमिका और उसके कुछ बारे में बताने के बाद। लेकिन अगर विशेषतर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पटना कलम शैली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो आप इस तरह से उसे लिख सकते हैं। तो पटना कलम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। पहला विशेषता है लघु चित्र। तो पटना कलम के चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें अधिकतर कागज और कहीं कहीं हाथी धातु पर बनाया गया है। इस शैली की प्रमुख विशेषता इसका सादगीपूर्ण तथा समानुपातिक होना है। इन चित्रों में मुगल चित्रों की भव्यता का अभाव है, साथ ही कांगड़ा चित्र शैली के विपरीत इनमें भवन स्थापत्य कला की विशेषताएं भी अनुपस्थित हैं। इनमें चटक रंगों का प्रयोग नगण्य है, यानी कि इस कला को लघु रूप में प्रदर्शित किया गया, मुख्यतः कागज और हाथी के दांतों पर। इनमें भव्यता का अभाव था और साथ ही इसमें चटक रंगों का प्रयोग भी नहीं किया गया था। दूसरा इसका विशेषता था कि सामान्य जनजीवन का चित्रांकन। तो इस शैली में बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रण हुआ है। इसके द्वारा परंपरागत भारतीय शैली का भी अभिव्यक्ति हुई है। इसके चित्रों में श्रमिक वर्ग, दस्तकारी वर्ग, तत्कालीन आवागमन के साधनों, बाजार के दृश्यों जैसे कि मछली की दुकान, साड़ी की दुकान, गांजे की दुकान, मिठाई का दुकान आदि का चित्रांकन हुआ है। इसी तरह मदरसा, पाठशाला, दाह संस्कार, त्योहारों एवं साधु संतों के चित्र भी बनाए गए हैं। अगला इसके विशेषता है कि बारीकी एवं अलंकरण की विशेषता। तो जहाँ तक बारीकियों का प्रश्न है, पटना कलम शैली के चित्रकारों को इसमें महारत हासिल था। इस शैली के चित्रों में चिड़ियों का चित्रण खास तौर से देखने योग्य है। इन चित्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इन कलाकारों को पक्षियों के शरीर विज्ञान की गहन जानकारी थी। कहीं कहीं इन कलाकारों की दबी हुई कल्पनाएं अलंकरण के साथ मुखरित होती है, जैसे महादेव लाल के द्वारा बनाई गई रागिनी गांधारी चित्र, जिसमें नायिका के विरह के अवसाद को बहुत बारीकी से दर्शाया गया है। माधवलाल द्वारा बनाई गई रागिनी तोड़ी पर आधारित चित्र भी उल्लेख्य है, जिसमें विरहिणी नायिका को बिना लिए हुए दिखाया गया है। इसी तरह शिवलाल द्वारा निर्मित मुस्लिम निकाह का चित्र तथा यमुना प्रसाद द्वारा चित्रित बेगमों की शराबखोरी का महत्वपूर्ण चित्र है। पृष्ठभूमि एवं लैंडस्केप का कम प्रयोग, तो यह भी पटना कलम शैली की एक विशेषता है कि पृष्ठभूमि और लैंडस्केप का इसमें कम प्रयोग किया गया है। तो इस शैली में पृष्ठभूमि एवं लैंडस्केप का प्रयोग ज़्यादा नहीं किया गया है। इसका कारण इसमें चित्रकार की कल्पना को मूर्त रूप देना पूर्ण रूप से संभव नहीं था, क्योंकि पृष्ठभूमि एवं प्राकृतिक दृश्यों को बढ़ाना महंगा पड़ता था और इसके पूर्ति करने वाला कोई नहीं था। अतः इन लोगों ने कम खर्चीले प्रयोग करना ज़्यादा उचित समझा, जैसे मनुष्य के चित्रों में ऊंची नाक, भारी भवें, पतले चेहरे, गहरी आंखें और घनी मूछें दिखाई गई हैं। रंगने की निजी शैली, तो कलाकार एक या दो बालों वाले ब्रशों का इस्तेमाल महीन कार्यों के लिए किया करते थे। तुलिकाएं गिलहरी के दुम के बालों से तैयार की जाती थी, कारण वे मुलायम थी। मोटे कामों के लिए बकरी, सूअर अथवा भैंस के गर्दन के बालों का इस्तेमाल किया जाता था। चित्रकार विभिन्न शेड्स के लाल रंग से, लाह से, सफ़ेद रंग विशेष प्रकार की मिट्टी से, काला रंग कालिक अथवा जलाए गए हाथी दांत की राख से, नीला रंग नील से एवं लाजवर्त रंग लेपिस लेजुली नामक पत्थर से प्राप्त करते थे। अगला इसकी विशेषता है कि मुगल शैली से भिन्न शैली थी। तो पटना कलम शैली में मुगल शैली के चित्रों की भव्यता का अभाव है। इसमें ना तो मुगल शैली के चित्रों की भांति राजे रजवाड़ों से संबंधित विषय वस्तु है और ना ही उनकी ट्रीटमेंट में उस वैभव के भी दर्शन होते हैं। पटना कलम में सजीवता और सामान्य जीवन से उसके घनिष्ठ संबंध सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा रंगों के उपयोग और छायांकन के तरीके में भी अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। और पटना कलम चित्रकला का पतन कैसे हुआ? तो पटना चित्र पतन शैली के विकास के बाद कुछ समय के लिए निशा काल भी आया, जब फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ, तब पटना कलम पर प्रतिकूल असर पड़ने लगा था। सन 1760 से 1947 तक पटना कलम का उत्कर्ष काल माना जाता है तथा सन 1997 के बाद पटना कलम पूरी तरह से विलुप्त सा हो गया। कला के विद्वानों ने ईश्वरी प्रसाद वर्मा को पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना है। लगभग एक शताब्दी तक यह शैली खूब प्रचलित रही, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस शैली का पतन प्रारंभ हो गया, क्योंकि इस समय तक अनेक कला संरक्षक काल कवलित हो गए थे और अनेक कलाकार आश्रयहीन हो गए थे। पटना शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम सेवक राम का है, उन्हीं के समकालीन हैं हुलास लाल। अन्य महत्वपूर्ण चित्रकार हैं श्री जय रामदास, शिवदयाल लाल, गुरसहाय लाल आदि। इस चित्रकला के अंतिम आचार्य ईश्वरी प्रसाद वर्मा की पटना से कोलकाता चले जाने के बाद बिहार में इस कला की पहचान बरकरार रखने के लिए राधा मोहन बाबू ने दिन रात अथक प्रयास किया था।
वर्तमान में पटना कलम की संरक्षित प्रतियां। तो पटना कलम आम जीवन से जुड़े हुई होने के कारण इसे देश दुनिया के विभिन्न स्थानों पर संरक्षित करके रखा गया है, जिसमें पटना संग्रहालय, जलान संग्रहालय, पटना सिटी चेतन पुस्तकालय, गायघाट, पटना खुदाबख्श उर्दू लाइब्रेरी अशोक राजपथ पटना, कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना, राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता और विक्टोरिया पैलेस कोलकाता, विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन भी शामिल है, जहाँ पटना कलम से जुड़ी हुई चित्र शैली को आम लोगों को देखने और परखने के लिए संरक्षित करके रखा गया है। तो ये थी पटना कलम से जुड़ी जानकारी, पटना कलम की विशेषता। और पटना कलम से पूछे अगर जुड़े कोई भी सवाल अगर पूछे जाते हैं तो आप उसे किस तरह से लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।